श्योर देयर इज बार्बी गोकुलधाम सोसाइटी का गणेश उत्सव एकदम जबरदस्त होने वाला है। बट आई रियली होप के गोकुलधाम सोसाइटी को किसी की नजर नहीं लगे। रोशन भाभी, किसी की नजर नहीं लगेगी, हमारे साथ साक्षात गणपति बाप्पा है। है ना? हाँ, ये तो छे। पर सोच है ना माधवी भाभी कि आज रात को क्लब हाउस में गणपति पापा के लिए मीटिंग होने वाली है, राइट? तो आई जस्ट होप कि कोई गड़बड़ ना हो। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बस मेरे ये थोड़ी कंजूसी करेंगे बजट में, सॉरी। नहीं नहीं माधवी भाभी, फिर वे एक्चुअली कंजूसी नहीं करते, वो आगे की सोचते। बजट को ध्यान में ना रखते हुए खर्चा हो जाए तो आने वाले सारे त्योहारों का बजट हिल जाता है। अरे उनकी इसी प्लानिंग के वजह से तो हम सारे त्योहार इतने अच्छे से मनाते हैं। हाँ, and I'm sure कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक ही ऐसी सोसाइटी होगी जो सारे त्योहार एकदम धूमधाम से मनाती है। Yes, अरे हमारे यहाँ के गणेश जी का इंतजार तो पूरी पाउडर गली और आसपास के सोसाइटी के लोग भी करते हैं। अगदी खरा है अंजलि भाभी, ऐसी बहुत कम सोसाइटीज है जहाँ पे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते होंगे। अच्छा गर्ल्स, मैंने आज आप सबको अर्जेंटली यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आप सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करनी है। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना इस बार के गणेश उत्सव में हम महिला मंडल एक्टिव पार्ट ले। एक्टिव पार्ट मतलब करना क्या है? मतलब ये कि गणेश जी के मंडप का डेकोरेशन हम महिला मंडल करे तो। What? क्यों? आइडिया अच्छा नहीं लगा? थैंक यू। इनफैक्ट मैं तो यही सोच रही थी कि इस बार गणेश उत्सव में हम लेडीज को ना कुछ अलग करना चाहिए। हाँ नहीं बरोबर है, पर क्या है हर बार टप्पू से ना डेकोरेशन करती है ना, तो इस बार भी उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, तो हो सकता है टप्पू सेना को हमारा ये विचार पसंद ना आए। एग्जैक्टली, और पुरुष मंडली ने भी तो अग्री करना चाहिए कि इस साल टप्पू सेना नहीं हम डेकोरेशन करेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी अभी भीड़े भाई को फोन करके हमारी ये प्लानिंग उनको बता देते हैं और उनको बोल देते हैं कि इस बार के गणपति मंडप का डेकोरेशन हम लेडीज मिलके करेंगी। रोशन भाभी, देखो फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, रात को मीटिंग होने वाली है, हम अपना प्रस्ताव तब रख देंगे। हाँ ये सही रहेगा। आई जस्ट होप हम जो सोच रहे हैं वो हो जाए। हाँ अरे हो जाएगा, मेरी तो एक्साइटमेंट अभी से बढ़ रही है कि कब रात हो और कब मीटिंग हो। फ्रेंड्स, आज रात की मीटिंग से पहले हमें डेकोरेशन के बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बाबा के आने का इंतजार सब लोग कितनी बेसब्री से कर रहे हैं। हाँ, सबके पास एक ही सवाल है कि इस बार डेकोरेशन में क्यों होने वाला है। और इस बार का डेकोरेशन हम ऐसा करेंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे। यस। अरे डेकोरेशन क्या होगा, कुछ सोचा है? नहीं अब्दुल भाई, वो तो कुछ सोचा ही नहीं है। ओए गोली, तू कुछ बोलेगा कि सिर्फ चिप्स ही खाता रहेगा? अरे ये चिप्स नहीं है। ओ ये चिप तो चिप्स ही है। चिप्स दिया तो चिप्स ही होगा ना। मेरा मतलब है ये चिप्स मेरे लिए चिप्स नहीं है, मेरे लिए ये सोचने की दवाई है। मैं खाते खाते डेकोरेशन के बारे में ही सोच रहा हूँ। वेरी गुड, तो आया कुछ आइडिया? हाँ, नहीं। डोंट वरी सोनू, टप्पू सेना वो टीम है जो लास्ट बॉल पर सिक्स मारती है, लास्ट मोमेंट तक हमें कोई ना कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया जरूर आ जाएगा। आइडिया तो आ ही जाएगा, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि भीड़ अंकल ये ना कह दे कि इस बार का डेकोरेशन आप लोग नहीं मैं करूंगा। हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, और टप्पू सेना के अलावा कोई डेकोरेशन कर सकता है? अब्दुल भाई एक केचप की बोतल दीजिए ना। और टप्पू सेना कैसे हो? हमारे सोसाइटी के बच्चे तो गोकुलधाम के गणपति के बारे में अभी से सोचने लगे हैं। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गोकुलधाम के राजा का। दीजिए अब्दुल भाई, कितने पैसे हुए? 150 रुपए। ये लीजिए, चले मिलते हैं गणेश उत्सव में।
गणपति बप्पा। शंकर जी देखा, हर साल पाउडर गली और हमारे आसपास के लोग गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बप्पा के आने का इंतजार कितनी उत्सुकता से करते हैं। हाँ, और पप्पा का इंतजार कौन नहीं करता है। और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आज रात की मीटिंग जल्दी से हो और भीड़ अंकल हमें डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे दे। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गणपति मंडप का डेकोरेशन हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। रोशन भाभी, कितनी बार बोल रहे हैं आप? माधवी भाभी, दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एफर्मेशन। आप अगर एक ही चीज को बार बार बोलो ना तो वो सच हो जाती है। जैसे अगर हमें अपने हस्बैंड से ज्वेलरी चाहिए तो हमें रोज उनसे कहना पड़ेगा कि हमें ज्वेलरी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। हमें ज्वेलरी मिल जाएगी। हंसी मजाक छोड़ो, अभी मीटिंग शुरू होने वाली है। हमें स्ट्रॉन्गली ये कहना है कि इस साल का डेकोरेशन हम करेंगे। एग्जैक्टली। और कोई हमारी बात पे कितना भी विरोध क्यों ना कर ले, हम हमारी बात पे कायम रहेंगे। पापा के आशीर्वाद से ना इस बार के गणपति डेकोरेशन में हम लोग एकदम धूम मचा देंगे। दोस्तों वहां देखो, सोसाइटी मीटिंग शुरू होने से पहले महिला मंडल ने अपनी मीटिंग शुरू कर दी है। सही बात है, धीमी आवाज में कब से घुसर पुसर चल रही है, लगता है कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। क्या प्लानिंग कर रहा होगा भाई? मुझे तो लगता है कि मेरी बहनें आज मीटिंग में कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। अच्छा, क्या लगता है क्या धमाका हो सकता है? क्या पता, नहीं ऐसा तो नहीं पोपटलाल, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता उन्होंने ढूंढा हो, उसका अनाउंसमेंट करने वाले हो। अगर ऐसा हो तो मजा आ जाए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। सिर्फ मेरे मुंह में? नहीं नहीं, मतलब सबके मुंह में घी शक्कर। पोपटलाल, घी शक्कर नहीं, देसी घी वाले लड्डू मंगवाओ। हाँ बढ़िया बढ़िया आते भाई, करो करो ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कर दो। अरे क्या ऑर्डर करो भाई, पहले पता तो चलने दो कि यही धमाका है। भाई पप्पू, पता तो तब चलेगा ना जब मीटिंग शुरू होगी। अरे ये मीटिंग शुरू करने वाला भीड़ कहाँ है? आजकल बिगड़ गया, टाइम पे आता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आधाराम कभी मीटिंग में लेट नहीं आता है, 8:30 का मीटिंग है और अभी तक 8:30 बजा नहीं है। अरे क्या बचा नहीं है, 8:30 बज तो गया कब का। नहीं जयडा लाल, 8:29:45 हुआ है, आज पर हम बराबर 8:30 पर लैंड हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। नमस्कार मंडली। मामा आ गए। देखा, आ गया। अब बात क्या हुआ? तू क्या दरवाजे के बाहर खड़े रहकर 8:30 बजने की राह देख रहा था क्या? नहीं तो क्यों? अरे 8:30 बजे की मीटिंग में एग्जैक्ट 8:30 बजे तूने एंट्री मारी। हाँ तो मैं हमेशा वक्त पर पहुंचता हूँ जेठालाल, तुम्हारी तरह नहीं। तुम कैसे जल्दी आ गए लेकिन? ए, मेरी घड़ी ने धोखा दे दिया, आगे चल रही है। अच्छा दिखा। चल चल तू मीटिंग चालू करने भाई, चल। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। समझ में नहीं है। साइलेंस जेठालाल, साइलेंस। अभी यहाँ पे ध्यान दो भाई, अभी कोई आपस में बात नहीं करेगा। लगता है बड़े शिक्षक है। मेहता साहब लगता क्या है, मैं तो शिक्षक ही हूँ ना। अरे नहीं, तुम जिस तरह से बोले ना कि सब लोग बैठ जाइए कोई बात नहीं करेगा, उससे ऐसा लगा कि तुम शिक्षक हो और हम तुम्हारे विद्यार्थी। यहाँ तो विद्यार्थी शिक्षक से बड़ा है। जेठालाल ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये देश का बजट सुनाने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो हाथ में वो फाइल वाइल। वो तो फाइल तो रहनी चाहिए ना, लगना चाहिए ना मीटिंग चल रही है।
लगना चाहिए का क्या मतलब है जेठालाल? ये कोई शो की फाइल नहीं है, ये गणेश उत्सव के बजट की फाइल है भाई। चलो मीटिंग शुरू करो। बराबर है। करते तो मैं आत्म आराम तू करम भिड़े। मीटिंग शुरू होने से पहले इसको ये दो लाइन बोलनी क्यों होती है? मैं आत्मराम तू करम भिड़े। अरे जेठालाल क्या चल रहा है तुम्हारा? बेटा साहब आप उठिए वहां से। अरे मैं कहां बात कर रहा हूँ? अरे आप वहां पे बैठे इसलिए वो बात कर रहा है। नहीं नहीं आप बैठे, मैं नहीं बोलूंगा भाई, नहीं बोलूंगा, बस तू मीटिंग चालू कर। और बिना वो बोले मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, क्योंकि वो हो गया। नहीं नहीं जेठा भाई, वो आधा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। थैंक यू माधवी। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा? हाँ कोई नहीं बोलेगा भाई, तू चालू करने मीटिंग। हाँ चलो चलो भाई चलो। अरे जेठिया बोलने देना उसे, बात बात में डबका सुन क्या करें। सॉरी डबका? ये क्या जी, डबका क्या होता है? अच्छा ते इम्पोर्टेंट है का? हाँ यार भाई सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बाद में समझ लेगा। आत्माराम कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ बिल्ली मास्टर बोल। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक मेयर सेक्रेटरी, आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये मीटिंग हमने गणेश उत्सव के लिए बुलाई है। भिड़े मास्टर, मीटिंग शुरू होने से पहले मुझे एक सवाल पूछना है। क्या है? कई सोसाइटी में मीटिंग में चाय नाश्ता होता है, तो हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं होता? आती भाई, उन सभी सोसाइटी का मेंटेनेंस ना 10,000 से ऊपर होता है, हम लोग भी बढ़ाए मेंटेनेंस। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, मेंटेनेंस नहीं बढ़ेगा, सब लोग अपने अपने घर से चाय नाश्ता करके आएंगे। ओ यारो मैं की कहना, ओ इधर उधर की वेलियां मारनी छड्डो। ये दसो कि बप्पा के आगमन की क्या तैयारियां हुई है? चलो नी जल्दी बोलो नी, पॉइंट पर आओ नी। हर साल की तरह इस बार भी हमारे सोसाइटी में बाप्पा का आगमन एकदम जोर शोर से होगा। यस। और बाप्पा की मूर्ति महिला मंडल ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है। अरे वाह। अच्छा मैं क्या कहती हूँ भिड़े भाई, हम अपने सोसाइटी में 20-25 फीट ऊंची मूर्ति नहीं ला सकते? हमारे गोकुल धाम के राजा और फेमस हो जाएंगे। बेटा, हम लोग गणेश जी फेमस होने के लिए नहीं लाते, बल्कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति दर्शाने लाते हैं। वाह। गणपति बापा की मूर्ति चावल के दाने जितनी छोटी हो या फिर 50 फीट की, गणपति बापा तो सब में एक समान ही होते हैं। वाह माता साहब, वाह 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 मेहता साहब, चाचा जी क्या जवाब दिया है आपने, वाह वाह वाह। अभी हम लोग डेकोरेशन के बारे में बात कर लेते हैं ना। हाँ। भीरे भाई, आपने इस बार का डेकोरेशन के बारे में क्या सोचा है? उसमें सोचना क्या है बबीता जी, हर साल की तरह डेकोरेशन टप्पू से ना करेगी। एक सेकंड भीरे भाई, मैं अपने महिला मंडल की ओर से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना। आप बोल बोल रचन डाले, दिल खोल के बोल। तो हम महिला मंडल ने ये डिसाइड किया है कि इस बार का गणपति मंडप का डेकोरेशन हम सब लेडीज मिलके करेंगे। हाँ। क्या आप लोग डेकोरेशन करोगे? क्यों, हम डेकोरेशन नहीं कर सकते? हाँ हम भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हाँ? नहीं नहीं वो बात ठीक है अंजलि भाभी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ डेकोरेशन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं।
हम करेंगे ना सारे काम। माना कि ये काम आसान नहीं है, पर हम इसे आसान बना देंगे। वाह वाह वाह, क्या क्या बात कही है बबीता जी, वाह। अरे वाह क्या वाह जेठालाल भाई, बोलने में और करने में बहुत फर्क है, इतना आसान नहीं है। देखिए, हमने ठान लिया है कि इस साल का गणपति बाप्पा का डेकोरेशन हम ही करेंगे। यस यस। लेकिन आप लोग डेकोरेशन का काम कर पाएगा? तुम क्या बोल रहे हो अय्यर? लेडीज आज एयरफोर्स में है, मिलिट्री में है, स्पेस तक पहुंच गए, और आप सब लोग को ये लग रहा है कि हम लोग एक डेकोरेशन का काम नहीं कर सकते? तो दोनों सेम ही तो है। ओ जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? अरे लेडीज को घर में कितना काम होता है, वो उसके साथ मैनेज कैसे करेगा? हाँ अंजलि, बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, कोऑर्डिनेशन करनी होती है, घर के कामों के साथ आप इतना सारा टाइम दे पाओगे? तारक, हम रोज घर में 10 काम एक साथ क्यों कर लेते हैं? हाँ। तो ये क्यों नहीं कर पाएंगे? करेंगे और अच्छे से करेंगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, वो भी अच्छे से। After all, we ladies are multitaskers. रोशन भाभी, इसमें सिर्फ आपको काम नहीं करना है, बहुत सारे लोगों से काम करवाना भी होता है। मंडप वाले है, डेकोरेशन वाले है, लाइट वाले है, ये सब आप कर पाएंगे? वो हम सब करवा लेंगे। हाँ। एक मिनट बहनों, देखिए मुझे आप लोगों की काबिलियत पर कोई शक नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी के गणपति का सब लोग कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं, अगर वक्त पर डेकोरेशन नहीं हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भाई, ये तो सही बात है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अरे बेटियां इतने उत्साह से डेकोरेशन करना चाहती है और तुम सब लोग मना कर रहे हो। नहीं नहीं, मना नहीं कर रहे चाचा जी, हम लोग समझा रहे हैं। समझा रहे वाली, डेकोरेशन महिला मंडली करेगी बस। बैठो, चलो बैठो। टप्पू से ना, आप लोग हम महिला मंडल से नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं आंटी, इनफैक्ट आप लोगों को डेकोरेशन करने का मौका मिल रहा है, इस बात से हम लोग बहुत खुश है। और अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प लगेगी तो हम बिंदास बोलना, हम लोग एकदम रेडी है। अच्छा, हाँ अभी महिला मंडल ये बताइए कि आपके डेकोरेशन की थीम क्या है? हाँ, वो गणपति बाप्पा के आगमन के बाद पता चलेगा। हाँ। इस साल का डेकोरेशन भी सबके लिए सरप्राइज होगा। नहीं, बाकी सबके लिए सरप्राइज होना चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे लिए नहीं ना, क्योंकि मुझे बजट बनाना है। बाद में अगर मुझे बजट पता चलेगा तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा। ओ अय्यर भाई, आप हंस क्या रहे भाई, ये बराबर बोल रहा है, पर आप ट्रेजरर है। हाँ बराबर है, बाद में लोग मुझे ही पूछेंगे, बड़ा क्या कहा, इतना खर्चा कैसे हो गया? अरे भाई, मैंने तुझे ऐसे कब पूछा? मैंने कब तुम्हारा नाम लिया? अच्छा माधवी, तुम मुझे बाद में बता देना कि थीम क्या है डेकोरेशन की। वेरी स्मार्ट, बजट के बहाने आप हमारा आइडिया जानना चाहते है ना? अरे सब बजट में ही हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नक्की ना माधवी? नक्की नक्की, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भरोसा है सब पे। तो मैं आत्माराम तुकाराम मिले, गोकुलाम सोसाइटी का एक फेयर सेक्रेटरी, ये घोषित करता हूँ कि गणेशोत्सव 2024 का आयोजन महिला मंडल करेगी। वाह, ये तो कमाल हो गया, गोकुल धाम की मीटिंग बिना किसी लड़ाई झगड़े के खत्म हो गई, और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है इस बार गणपति का डेकोरेशन महिला मंडल करने वाली है ना, ये कमाल की बात।
दोस्तों, दुनिया हो या हमारा देश या हमारा गोकुल धाम, ये साल महिलाओं के नाम। खेल जगत हो, राजनीति हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कला का माध्यम हो, महिलाओं ने अपना सिक्का सब जगह पर जमा कर रखा है। आमतौर पर घर और बच्चे संभालने वाली महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रही, ये हमारे लिए गर्व की बात है और गौरव की। स्त्री सशक्त हो गई है और हमें उसका साथ देना चाहिए। और तो और, अगर कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करे तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बार गोकुल धाम की महिलाएं मंडप का डेकोरेशन करने वाली हैं। या वो आसानी से गणपति का डेकोरेशन कर पाएंगी या उसमें कोई विघ्न आएगा, और अगर कोई विघ्न आया तो क्या वो पुरुष मंडली से मदद लेंगी। दोस्तों, आगे जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.